स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक आउट योर गुजराती टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 29, पगलू 15, स्टेप 15, चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो अने लखो, सी द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड राइट देम। चलो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है, एरो का। एरो को गुजराती में बोलते हैं बाण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाण, यानी कि ब प्लस आ की मात्रा क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा, और हम उसको क्या रीड करेंगे, बाण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एरो। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है, वादड़। वादड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लाउड। ओके, और व प्लस आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा, इक्वल वा। तो ये हम इस वर्ड्स को कैसे रीड करेंगे, वादड़, यानी कि ये वर्ड्स को रीड करेंगे बाण, और इस वर्ड को रीड करेंगे वादड़। ओके, एरो एंड क्लाउड। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बाण 3 times दिया है, हमको भी बाण 3 times लिखना है। मैं लिख रही हूँ, आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम ऐसे लिखना है, बाण, बाण, व को आ की मात्रा है और अण है तो क्या लिखेंगे, बाण। फिर नेक्स्ट, व को आ की मात्रा है वा द ड़, वा द ड़, वा द ड़, यानी कि यहाँ का यहाँ पे हमने व को आ की मात्रा ज्वाइन की है तो क्या बन गया, वा द ड़। ओके, ये आपको बाण और वादड़ का कॉलम फिल करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर नेक्स्ट, वाँचो अने लखो, श षटकोण नो श, यहाँ पे श षटकोण नो श दिया है और उसको आ की मात्रा ज्वाइन की है तो क्या बन गया है, शा, श दिया है, श षटकोण नो श और आ की मात्रा ज्वाइन की तो क्या बन गया है, इक्वल शा। ओके, फिर स ससला नो स, उसमें भी आ की मात्रा ज्वाइन की तो क्या बन गया है, शा, स को आ की मात्रा ज्वाइन करेगी तो क्या बन जाएगा, शा। फिर ह हरण नो ह, हमें आ की मात्रा ज्वाइन की तो क्या बन जाएगा, हा, हमें आ की मात्रा ज्वाइन करे को क्या बन जाएगा, हा, हा। यहाँ पे शा षटकोणो श शा ससलानो श शा, स को आ की मात्रा ज्वाइन की है और ह को आ की मात्रा ज्वाइन की है, हरण नो ह, हा। ओके, ये कॉलम आपको फिल करना है। नेक्स्ट, वाँचो अने लखो, पहले कौन सा वर्ड्स दिया है हम रीड करते हैं। चलो, प हाड, हमें आ की मात्रा ज्वाइन की है, प ड में कोई मात्रा नहीं है तो हम कैसे रीड करेंगे, प हाड, और हम लिखेंगे कैसे, प हा ड। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ड्स है, क बाट, यहाँ पे क दिया है और ब में आ की मात्रा ज्वाइन कर दिए इसलिए बा बन गया, क बाट। फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ड्स है, वहाँ, तो व और हमें आ की मात्रा ज्वाइन करेंगे, वहाँ ण। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ड्स है, स में आ की मात्रा ज्वाइन है और म में भी आ की मात्रा ज्वाइन है तो कैसे रीड करेंगे, सामान, सा मा न। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ड्स है, लाडवा, यहाँ पे ल और व में आ की मात्रा ज्वाइन की है और ड में कोई मात्रा ज्वाइन नहीं की है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे, लाडवा, ला ड वा। ऐसे आपको पहाड़, कबाट, वहाँ, सामान और लाडवा, ये वर्ड्स का कॉलम आपको लिख के फिल करना है। आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क कंप्लीट पेज नंबर 29 इन योर गुजराती टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ ओवर।